ये होगी। चलो भाई घर देखिए सुनो, तो ये यूपी क्या होता है बता, क्या हर सिलेबस में तुझे लोग ये बता रहे हैं कि टाइप्स ऑफ यूपी यूपी कितने प्रकार के हैं, तो यूपी कितने प्रकार के होते हैं उससे पहले आपको तो ये जानना जरूरी है कि यूपी क्या है। जब ये जानोगे कि यूपी क्या है तो आपको बताएंगे कि कितने प्रकार के होते हैं, यस सर। ज्यादा है ज्यादा ज्यादा है पेज का टॉपिक है यूपी। ये आपके बॉडी का ऐसा सिस्टम है जो आपके बॉडी को किसी बीमारी से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। बॉडी का है मतलब हमारी बॉडी का ही ऐसा जैसे हम आप माता में कहते हैं शक्ति रक्षा तत्व, यही तो कहते हैं ना, ठीक है। तो इम्यूनिटी क्या है, आपके बॉडी का एक ऐसा सिस्टम है, ऐसा तंत्र है जो हमारे बॉडी को किसी भी प्रकार के रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, दैट इज इम्यूनिटी। काफी इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ज्यादा घुसोगे आप लिख देंगे, इसलिए इतना ज्यादा घुसना आपने कहा, हालांकि है तो ये भी नहीं, लेकिन ये ज्यादा जरूरी है आपको कि इम्यूनिटी क्या है। इम्यूनिटी एक ऐसी एबिलिटी है, ऐसी योग्यता है हमारे शरीर की जिसके द्वारा हमारा शरीर किसी रोग से लड़ने की क्षमता रखता है या नहीं, ठीक। अब बात आती है ये इम्यूनिटी कितने प्रकार की है, तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, ये आपके सिलेबस में, ठीक है। हम आपको बता दे रहे हैं, नोट समेत दे देंगे फिर आप आराम से नोट कर लीजिए, ठीक है। मुख्य रूप से हम बात करें कि इम्यूनिटी कितने प्रकार की, मुख्य रूप से देखिए किसी किसी बुक में आपको चार प्रकार की मिलती है, लेकिन वो चार प्रकार की नहीं, मुख्य रूप से दो प्रकार की एक्टिव और पैसिव, एक्टिव पैसिव। एक्टिव और पैसिव ये आपके टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी के दूसरे प्रकार का दूसरा, दो प्रकार की इम्यूनिटी होती है, एक होती है दूसरी होती है एक्वायर्ड। आप जो एक्टिव और पैसिव बताया वो के दो रूप और इनेट। अब हम बात करें एक्वायर्ड,
मतलब डॉक्टर क्या हमें एडॉप्ट किया, हमने एडॉप्ट किया, हमने ग्रहण किया, यानी अब जैसे आपको वैक्सीन लगाई जाती है, बच्चा पैदा होता है पोलियो की ड्रॉप लगाई जाती है, विभिन्न प्रकार के टीके लगते हैं, ये सब क्या है, ये आपके आ गया अडॉप्टेड या एक्वायर्ड जब हम अलग से एंटीबॉडी इंजेक्शन के थ्रू अपने शरीर में अभी आगे बताएंगे आप पहले कुछ तो बताएंगे जब हम इंजेक्शन के थ्रू किसी बाहरी मीडियम के थ्रू केवल एंटीबॉडीज इंजेक्शन के थ्रू अपने शरीर में ले या तो किया जाए तो किसी में केवल उनकी बॉडीज दी जाती है तो वैक्सीन करती क्या है आपके शरीर में जाने के बाद एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है पहले क्या होता है जब कभी कभी आपने देखा होगा कि आपका कोई चीज चेचक ठीक है तो दवाई
आप इसमें क्या होगा, बॉडी डायरेक्ट इसके प्रति धीरे 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 रिस्पॉन्स करके बॉडी अपने अंदर बना। तो ये हो गया आपका एक्टिव पैसिव निष्क्रिय। पैसिव का मतलब यहाँ पे क्या है, निष्क्रिय एडॉप्टेड या प्राप्त प्रतिरक्षा तंत्र। इसमें क्या करते हैं देखो, इसमें जैसे वैक्सीन वगैरह इसमें आ जाएगी। अभी बताया कि इसमें एंटीबॉडीज बाहर से ली जाती है, फिर हमारे शरीर में से प्रति एक्टिव। ऐसी कोई चीज जो अपनी बॉडी ठीक नहीं कर पाती है, ठीक नहीं हो पाती है, इसमें एंटीबॉडी बन जाती है। जैसे कि एक बार हुई बीमारी बन गई है, उसमें एंटीबॉडी बन गई, उसके बाद नेक्स्ट अगर कभी बीमारी होगी तो वो एंटीबॉडी नहीं बनती है। इसमें निष्क्रिय वाले में क्या है, पैसिव में क्या है, हमें एंटीबॉडीज लेनी पड़ती है, ठीक है। ले देखे इतना ही है टाइम्स ऑफ इम्यूनिटी, आप सिलेबस उठा के देखें बस देख लो, इतना बहुत सब नहीं जो है ऐसे ऐसे किया है। अरे सर ये टेन लेवल कमाना गया था।